वेलकम टू बाबा फ्रीद पब्लिक स्कूल, ICSE से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली AC व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। नमस्कार, एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि डबवाली के बनवाला गांव से, जहां पर गुलाबी सुंडी का अटैक खेतों में किसानों की नींद उड़ा रहा है, जहां पर सफ़ेद सोने की फसल अब अपने पीक यौवन पर है लेकिन टिंडा बनकर तैयार है और किसानों के चेहरों पर इस बात की उम्मीद और खुशी है कि अब टिंडे बनकर तैयार हो गए, यानी कि पूरा फल बनकर तैयार हुआ है। कुछ ही दिन बाद नरमा खिड़ना शुरू हो जाएगा और फिर इसकी हार्वेस्टिंग होगी, लेकिन उससे पहले चिंता की लकीर यह है कि इन टिंडों के अंदर गुलाबी सुंडी ने नरमे की फसल को चौपट कर दिया, जहां पर आज जो BKE की तरफ से खेतों का दौरा किया गया, तमाम किसान जो नेताओं की तरफ से किसानों का हालचाल जाना गया है और किसानों ने कटाक्ष किया है कि चंद्रमा पर जाने की फुर्सत नहीं मिल पाएगी अगर किसानों की सफ़ेद सोने की फसल तबाह होगी, क्योंकि किसान ही देश का पेट पालता है। ऐसे में मोदी साहब, खट्टर साहब को इस तकनीक का भी इस्तेमाल करना होगा कि किसानों की खेती चौपट ना हो। ऐसी नवीन तकनीक होनी चाहिए जो किसानों को सफ़ेद सोने की फसल सही पैदावार दे सके। जहां पर किसान जो नेता BKE की तरफ से लखविंदर सिंह औलख पहुँचे, तो उन्होंने किसानों के साथ जाकर खेतों का मुआयना किया और उन्होंने ये जानकारी दी है कि अब पूर्ण तरीके से जो नरमे की फसल चौपट हो गई है, कोई भी टिंडा यानी कि नरमे में लगी जो बॉल है कॉटन की, वो साबुत नहीं बची है। जिस भी टिंडे को आप खोलकर देखेंगे तो अंदर गुलाबी सुंडी मिलेगी और रेशा पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। ये तस्वीर देखिए आप, आपको किसान नेता हथेली पर रखकर दिखा रहे हैं। आप कोई भी टिंडा तोड़ेंगे, इससे पहले चौटाला से भी ऐसी तस्वीरें आई थी, चोपटा इलाके में इस तरीके की तस्वीरें थी और गंगा कालवाना दारेवाला की बात करें आप, इसके अलावा भारूखेड़ा की बात करें, आसा खेड़ा, चौटाला की बात करें और बनवाला, रिसालिया खेड़ा, घूंकावाली, ये पूरे तमाम जो गांव हैं जहां पर गुलाबी सुंडी ने सबसे बड़ा अटैक किया। और ऐसे में किसानों ने विभाग से खेतों का दौरा कर इस बार जो स्पेशल गिरदावरी करवाने की जो मांग की है, क्योंकि किसान को सबसे बड़ी उम्मीद इससे पहले नरमा का बीमा के लिए मुआवजा को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, टंकी पर चढ़कर सरकार को चेतावनी देनी पड़ी और अभी तक भी डवाली का गुलाबी सुंडी 2020 का मुआवजा किसानों को नहीं मिल पाया और खरीफ 2022 का भी 600 से ज़्यादा करोड़ का जो मुआवजा है वो पेंडिंग पड़ा है, उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है कि वो किसानों के खाते में कब आएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत खेतों में ये पैदा हो गई है कि अब ठीक ठाक दिखने वाला नरमा किसानों को धोखेबाज निकला है, किसानों के लिए धोखा दे रहा है, क्योंकि टिंडा तोड़ने से किसान के अरमानों पर पानी फिर रहा है, क्योंकि ऐसा टिंडा साबुत नहीं बचा कोई भी जिसको तोड़कर किसान खुश हो सके। और खैर, हम ऐसी उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस बार नरमे की फसल बम्पर हो, लेकिन किसान जो दर्द बता रहा है वो निश्चित तौर पर एक खस्ता पैदा कर रहा है कि इस बार किस तरीके की जो फसल उत्पादन दे पाएगी, कितना बम्पर उत्पादन इस बार फसल का, जो सफ़ेद सोने की फसल का किसानों को मिल पाता है, क्या कुछ किसान मांग रख रहे हैं, क्या किसान नेता कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। चांदपुर को हम गई देखो, खट्टर साहब ने सुना दियो, ये सब सुंडी है हर डिंडे में। बोलो एक किसान संघ आ रहा है, उनमें लिख के बता दिया हर डिंडे में, हर गुड्डी में, किसी तोड़ने से तोड़ दियो सही सारा परिवार ने। मोदी भाई साहब चांदपुर को हम गई देखो, देख लियो चांदपुर तो करनी संसद में कौन जाए तो गाड़ी तेल लगाई करी हो जी क्यों बना लियो। साथियों, ये बनवाला गांव में साथी हैं जो हम नरमे का खेत है वहाँ खड़े हैं, तो गुलाबी सुंडी से हर एक टिंडा, जो भी जितने भी टिंडे लगे हैं, फल भी बहुत अच्छा है नरमे में। कौन सी वरायटी है नरमे की? 926 रांची की 926 वरायटी है, लेकिन हर एक टिंडे में गुलाबी निकल जाए उस हर सुंडी की वजह से कि किसान का दोबारा से समझ लो नुकसान जो है होने के कगार पर है। बहुत सारे इस फसल को यहाँ पर लेने के लिए, इतना बड़ा पौधा करने के लिए, इस जितने भी कॉटन के पौधे हैं इनको बड़ा करने के लिए जितना खर्चा था वो कर लिया है, चाहे शुरू से
बजाई से लेकर फिर खाद, फिर जितनी भी पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और फंगीसाइड डालने थे वो डाल चुके हैं, लेकिन अब फिर वहीं गुलाबी सुंडी की मार है। तो हमारी सरकार से भी अपील है कि उसके ऊपर ध्यान में दे। एक तरफ तो बहुत बड़ी बढ़िया बात है, हमारा देश के वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो चांद पर जा रहे हैं, तो ये एक ऐसे भी साइंटिस्ट हमारे देश में होने चाहिए जो इस कपास की फसल में या और भी कोई फसलें हैं उसके ऊपर ये सुंडी से कंट्रोल कर सकें। अच्छे वो बीज किसान को उपलब्ध कराएं जिसमें सुंडी ना हो। अगर बीज में दिक्कत है तो पेस्टिसाइड अच्छा को वैरायटी के इसकी भी रिसर्च करें, इसके ऊपर भी साइंटिस्ट लगाने चाहिए, जो कि हमारा कृषि प्रधान देश है। इस देश में अगर उपज होगी तो ही देश का आर्थिक विकास होगा। कृषि पर ज़्यादातर निर्भर जो है कृषि पर है। तो हमारी यही अपील है सरकार की, हरियाणा सरकार की तरफ और एग्रीकल्चर विभाग और हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनको भी, किसान को बचाना है तो इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में ना किसान की फसल बचेगी, ना किसान बचेगा, ना किसान का खेत बचेगा।